In this video, I will tell about how to apply for DMC permanent registration. So for that, you need to open DMC website, which is DelhiMedicalCouncil.org. Then you need to click on online registration. So online registration पे क्लिक करने के बाद ये वाला पेज ओपन होगा. इस वाले पेज में ये वाला पार्ट जो है न्यूली एडिड हुआ है कोविड पेंडेमिक की वजह से. इसमें क्या है कि ओरिजिनल फॉर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा. उस अपॉइंटमेंट को लेने के लिए आपको एक मेल करना है. इन दैट मेल यू नीड टू राइट योर नेम, योर मोबाइल नंबर, योर केस आईडी, और इसको जो सेंड कर देना है इस वाले मेल पे. केस आईडी जो है आफ्टर रजिस्ट्रेशन क्या होगा, आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगा. उस स्लिप के अंदर में ये केस आईडी मेंशन होगा. वो केस आईडी यहाँ पे आप लिख करके मेल कर सकते हैं. उसके बाद आफ्टर 3 से 7 डेज में क्या होगा, आपको एक मेल बैक आएगा डीएमसी से, जिसमें आपका टाइमिंग और जो डेट है वो मेंशन होगा. अब मेल कैसा होगा, मेल ये मेरा मेल आया था. सो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट था 22nd of June 11:05 से लेके 11:15 के बीच. देन इस पेज पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मेंशन है, आप इसको रीड कर लेना. इसमें जो मेन पॉइंट ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन के बाद यू विल गेट योर लॉगिन डिटेल, और जो लॉगिन डिटेल्स जो आपको आएगा, जो आपका पासवर्ड और आईडी आएगा, वो मेल पे आएगा. आपके मेल जो है आपको कभी कभी प्राइमरी में आता है, कभी कभी आपका मेल प्राइमरी में आता है, कभी कभी सोशल में चला जाता है, कभी कभी प्रोमोशंस में चला जाता है, और कभी कभी ये स्पैम में भी चला जाता है. तो आपको क्या करना है उसके लिए, स्पैम आप चेक कर लेना और ऑल इन बॉक्सेस में एक बार चेक कर लेना. सो वो इजी वे रहेगा अगर आपको देखना है कि मेरा लॉगिन डिटेल्स जो है वो कहाँ पे आया. देन उसके बाद मैं रीड एंड अंडरस्टूड पे क्लिक करूँगा. देन उसके बाद ये एक पेज खुलेगा जिसमें पेमेंट के बारे में लिखा हुआ मेंशन है. सो प्रोविजनल के लिए जो है 8000 है, और अगर प्रोविजनल इंडियन ग्रेजुएट है उसके लिए 2000 है, और परमानेंट अगर इंडियन क्वालिफिकेशन है तो वो भी 2000 है, लेकिन अगर परमानेंट रजिस्ट्रेशन फॉरेन ग्रेजुएट है तो उसका भी 8000. तो इट मींस कि 8000 प्रोविजनल का भी है और 8000 जो है परमानेंट का भी है फॉर फॉरेन ग्रेजुएट्स. देन मैं इस पे रीड एंड अंडरस्टूड पे फिर से क्लिक करूँगा, ये पेज मेरा खुल जाएगा. इस पेज में जो अपलोड करने का और रिसाइज करने का जो प्रोसेस है, ये आप इसमें रीड कर लेना, बहुत इजी प्रोसेस है. इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, सो यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो. इस पेज में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये 7th नंबर का जो पॉइंट है, इसमें ये मेंशन है कि जितना भी आपका डॉक्यूमेंट होगा वो जो अपलोड होगा वो JPEG फॉर्मेट में होगा, JPEG पिक्चर फॉर्मेट में, नॉट एनी अदर फॉर्मेट. यहाँ पे एक चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका PDF फॉर्मेट है या कोई अदर फॉर्मेट है तो वो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा JPEG फॉर्मेट में, तभी ये अपलोड होगा. और इसका साइज़ वगैरह सब इसमें मेंशन है, और इसके बारे में मैंने डिटेल जो बात किया है वो मेरे वीडियो में है, वो आप देख सकते हैं. देन मैं नेक्स्ट रीड एंड अंडरस्टूड फिर से क्लिक करूँगा. उसके बाद ये पेज खुलेगा. इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो लाइन है ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का है पॉइंट. इसमें ये जो तीनों ऑप्शन है ये सब प्रोविजनल के लिए है, और इसमें जो ये ऑप्शन है फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन है, एक्चुअली में ये परमानेंट रजिस्ट्रेशन के लिए है ये वाला ऑप्शन. इसमें तीन ऑप्शन और मेंशन है, जो कि जो फर्स्ट है वो इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए है, सेकंड वाले पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो भी इंडियन ग्रेजुएट्स के लिए है, लेकिन थर्ड जो है वो एक्चुअली में फॉरेन ग्रेजुएट्स के लिए है. इसमें यहाँ पे एक चीज़ मैं और मेंशन कर दूँ, अगर आप फॉरेन ग्रेजुएट हो और आपने ऑलरेडी कहीं से अपना, आपके पास ऑलरेडी परमानेंट रजिस्ट्रेशन किसी दूसरे स्टेट का है, और आप दिल्ली में अगर यहाँ पे वर्क करना चाह रहे हो और दिल्ली में अगर परमानेंट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, तो अगर आप फॉरेन ग्रेजुएट हो तो आपको इस पर ही क्लिक करना है और इस पर अपना फॉर्म फिल करना है. सो मेरे केस में क्या है कि मेरा प्रोविजनल दिल्ली का है, सो मैं इस पर क्लिक किया हूँ इस वाले ऑप्शन पर. मेरा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है ऑलरेडी प्रोविजनल, सो मैं परमानेंट के लिए अगर अप्लाई करूँगा तो मैं इस पर क्लिक करूँगा. उसके बाद मेरे पास ये एक पेज खुल के आएगा.
जिस पेज में जितने भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो मेंशन है, और ये सारे डॉक्यूमेंट को आप एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रखना। यू जस्ट कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट इन दिस पर्टिकुलर ऑर्डर व्हेन यू विल गो फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। सो इसमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, स्क्रीनिंग टेस्ट कॉपी है, 10th है, 11th है, 12th है, MCI परमानेंट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, या और उसके बाद इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, उसके बाद फिर डिग्री डिप्लोमा है, कॉपी ऑफ पासपोर्ट है। और ये जो एक पॉइंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको एक्चुअली में एक एफिडेविट बनवाना पड़ेगा नोटरी से, जो कि 10 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर पे वो बना करके आपको दे देगा। तो इसका यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे दिस परफॉर्मा के ऊपर में, आप जब क्लिक करेंगे तो एक पेज खुल के आएगा जिसमें फॉर्मेट दिया हुआ है। सो मैं अपना फॉर्मेट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सो मेरा फॉर्मेट ये, मैंने ये एफिडेविट बनवाया था, इसमें नाम और ये जितना मैंने कहाँ से MBBS किया है, मैंने 12th क्लास कहाँ से किया है, मेरा स्क्रीनिंग टेस्ट जो पास हुआ था उसका रोल नंबर, और मैंने इंटर्नशिप कहाँ से कंप्लीट किया उसके बारे में। उसके बाद फिर जा कर के यहाँ पे एक स्टैम्प लगता है, एक स्टैम्प यहाँ पे लगता है, उसके बाद ये वेरिफिकेशन का जो अटेस्टेशन होता है वो एक यहाँ पे स्टैम्प लगेगा। इस वाले पेज पे ये ई स्टैम्प है, और ये ई स्टैम्प में भी मेरा डिटेल यहाँ पे मेंशन है, और ये 10 रुपीज़ का ई स्टैम्प है, इसमें भी यहाँ पे एक स्टैम्प लगेगा, और यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेशन रहे। जब मैं प्रोसीड करूँगा ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आपको अपना डिटेल डालना है। जब सब डिटेल डालने के बाद क्या होगा, आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि डिटेल्स ऑफ इंटर्नशिप, सो आप यहाँ पे भी ऐड कर देना अपना डिटेल। उसके बाद फिर एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा कि डिटेल्स ऑफ क्वालिफिकेशन। सो यहाँ पे एक चीज़ एरर क्या है कि इंटर्न कम्प्लीशन लिखा हुआ है, एक्चुअली में जो ग्रेजुएशन का कम्प्लीशन डेट है वो यहाँ पे मेंशन करना है यहाँ पे, एक्चुअली में ये यहाँ पे थोड़ा करेक्शन है। उसके बाद आपको डिटेल्स ऑफ प्रोविजनल या परमानेंट रजिस्ट्रेशन, अगर आपका किसी अदर मेडिकल काउंसिल से है तो वो यहाँ पे डालना पड़ेगा, यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट। उसके बाद एक आता ऑप्शन ऑक्यूपेशन का, ऑक्यूपेशन आप कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, यहाँ जस्ट स्टूडेंट भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे इस पे नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक करके, इस पे क्लिक करके आप उसके बाद प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। सो इसमें क्या होगा, आपका डिटेल्स ऑफ क्लिनिक हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट वी आर प्रैक्टिसिंग, ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपका सेलेक्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश और इंडिया। सो इसमें कोई वरी की बात नहीं है। और ये जो आपका रिव्यू का पेज जो ओपन होगा, इसमें क्या होगा, अगर आपका नेम जो है बहुत बड़ा है सो यहाँ पे कट जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये गांधी मेडिकल कॉलेज है, तो कॉलेज के आगे का जो लेटर है वो यहाँ पे कट किया हुआ। उसके बाद आप इस पे प्रोसीड करके पेमेंट है, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आएगा, वो आप कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।